नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। दोस्तों, कौन है जो माँ लक्ष्मी की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी इस दीपावली माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखे जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, खास धनतेरस पर ये चीज नहीं खरीदी तो कुछ भी नहीं खरीदा, इसलिए धनतेरस पर ये चीज घर में जरूर ले आइए। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिनमें से एक भी अगर आप इस धनतेरस अपने घर ले आएंगे तो आपके वारे ही न्यारे हो जाएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि धनतेरस कब है और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, धनतेरस इस बार 2020 में 13 नवंबर को मनाया जाएगा और दिन बहुत ही शुभ है, यानी शुक्रवार, जो कि स्वयं मां लक्ष्मी का दिन है। ये दिन लक्ष्मी जी के लिए समर्पित है। ऐसे में यहां बताई जाने वाली चीज, अगर आप धनतेरस के दिन अपने घर ले आएंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा के पात्र बनेंगे और साल भर आपके घर में होगी धन की वर्षा। दोस्तों, पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:29 से लेकर 5:59, यानी इस बार पूजा का मुहूर्त 30 मिनट का है। इस समय पर ही आपको पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अगर पूजा पाठ मुहूर्त के अनुसार की जाए तो आपको उसका पूरा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, धनतेरस सुख समृद्धि यश और वैभव का पर्व है। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देव धन्वंतरी की पूजा का बहुत ही ज्यादा महत्व है और इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय लोग करते हैं। बहुत ही शुभ दिन है ये माता की कृपा प्राप्त करने के लिए। दीपावली से पहले धनतेरस पर घर में कुछ खास चीजें लाने से धन की प्राप्ति बड़ी ही तेजी से होती है। आज हम आपको बता रहे हैं धनतेरस के दिन ऐसा क्या खरीदना चाहिए जिससे पॉजिटिव एनर्जी आपको हासिल हो जाए और गरीबी का अंत आपके लिए हमेशा के लिए हो जाए। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, पहली चीज है नमक। नमक का पैकेट आप धनतेरस के दिन घर पे लेकर आइए और दीपावली के दिन इसे इस्तेमाल करिए। दीपावली के दिन इसी नमक के पानी से आप पूरे घर में पोछा लगाइए, इससे घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी और नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहेगी आपके घर से। दोस्तों, अगली चीज है शंख। अगर आप अपने घर में शंख की स्थापना करना चाहते हैं तो धनतेरस का दिन इस काम के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ है। इस दिन शंख घर में लाने से सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। इस दिन शंख को घर में लाएं और इसे दीपावली पूजन के समय बजाएं, इससे घर में लक्ष्मी का आगमन बड़ी तेजी से होता है। माता लक्ष्मी को शंख बहुत ही प्रिय है और जहाँ पर नियमित तौर से शंख बजाया जाता है माता लक्ष्मी वहाँ से कभी भी नहीं जाती। दोस्तों, अगली चीज जो आपको धनतेरस के दिन घर पे लानी चाहिए वो है धनिया। धनिया धन का प्रतीक है, इसलिए धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीद करके लाएं। बहुत ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है, आप चाहे तो बस एक मुट्ठी साबुत धनिया घर में ले आइए और लाकर अपने पूजा स्थल पर इसे रख दें। उसके बाद दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा के समय इसकी भी पूजा करें। दीपावली पूजन के बाद इसमें से थोड़ा सा धनिया आप घर के आंगन या मिट्टी या गमले में डाल दीजिए और बाकी आप प्रसाद की तरह बांट दीजिए। इसकी हरियाली माता लक्ष्मी को आपके घर की ओर आकर्षित करेगी। दोस्तों, अगली चीज है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश की मूर्ति जरूर खरीदें। लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति को धनतेरस के दिन घर लाने से घर में धन संपत्ति का आगमन होता है। पूरे साल घर में धन और अन्न की कभी भी कमी नहीं होती। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि दिवाली के शुभ मौके पर लक्ष्मी गणेश को लाना कभी भी ना भूले, क्योंकि यही है असली धन के देवता। और क्योंकि दीपावली की शुरुआत धनतेरस से ही हो जाती है तो इस दिन से बेहतर और कोई मौका नहीं है लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति को घर में लाने का। आप अपनी क्षमता अनुसार मूर्ति ला सकते हैं, आप चाहे तो चांदी की या अष्ट धातु से बनी मूर्ति भी आप ला सकते हैं। दोस्तों, अगली चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भगवान कुबेर को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी के खजांची कुबेर को चांदी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न करती है। धनतेरस के दिन चांदी के बर्तन या जेवर या फिर चांदी का सिक्का जरूर खरीदिए। मान्यता है कि इस दिन चांदी खरीदने से यश, कीर्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन आप कोई भी शुभ यंत्र खरीद करके उसकी पूजा करें और इसे अपनी तिजोरी में या अलमारी में, जहां पर भी आप पैसे रखते हैं वहां इसे रखें। आप
चाहे तो श्री यंत्र भी खरीद सकते हैं। इससे धन आकर्षित होता है। दोस्तों, सब जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी वजह से ही तो धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन आप स्टील के बर्तन आदि जरूर खरीदिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कांच के बर्तन इस दिन नहीं खरीदने चाहिए। ऐसा करना अशुभ फल देता है, क्योंकि कांच का संबंध राहु से होता है और राहु की दृष्टि पड़ने से सब काम बिगड़ने लगते हैं। साथ ही एल्यूमिनियम के बर्तन भी इस दिन नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि एल्यूमिनियम भी राहु से संबंधित है। दोस्तों, याद रहे कि धनतेरस पर या दीपावली पर किसी भी सुहागन महिला या कुंवारी कन्या को मेकअप यानी श्रृंगार का सामान या नए वस्त्र उपहार में देने से माता लक्ष्मी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है और आपका घर छोड़कर कभी भी नहीं जाती। सदैव के लिए आपके घर में वास करती है और आपके बिगड़े कार्यों को भी पूरा करती है। तो इस धनतेरस या दीपावली पर घर की महिलाओं को और को ये उपहार जरूर दे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय मां लक्ष्मी, जय माता।